শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত। কলিযুগ পাবন অবতার ভুবন মঙ্গল অখিল রসামৃত সিন্ধু প্রেম পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুকে ভুবন মঙ্গল জীবন গাথা। भगवान आते हैं युग युग में, क्या जरूरत है आने का। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब कर सकते हैं। उनको मनुष्य तो अनुधारण करके मनुष्य जैसे लीला करते हैं, क्यों क्या प्रयोजन है। गीता में कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत्यानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम परित्राण साधुनां विनाशय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दुष्कृत कार्य के लिए, दमन के लिए और भक्तों को रक्षा करने के लिए, धर्म संस्थापन के लिए ये कह रहे हैं ना। तो ये तो प्रभु कृपा दृष्टि से ही एक अनंत कोटि ब्रह्मांड का आरण कर सकते हैं, तो वहां आने का क्या आवश्यकता है। मनुष्य जैसे नरतनु धारण करके और ऐसे ही सुख दुख हर्ष विषाद नरलीलावत कैवल्यम, नरलीला को अनुकरण करते हैं, किस भी अवस्था में नरलीला को अतिक्रमण नहीं करते हैं भगवान। इसलिए भगवान को जान नहीं पाते हैं, ये पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान पुरुषोत्तम, साधारण व्यक्ति जान नहीं पाते हैं। जब भगवान नरलीला करते हैं साधारण जान नहीं पाते हैं, पीछे जान जाते हैं। जैसे रामलीला की है, जब राम जी जब आविर्भूत हुए थे तब थोड़ी सब जानते थे, ये पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान। नहं प्रकाश सर्वस्य जुगमय समावृता मूरयंग नभि जानाति लोक माम अजम अव्ययम। मैं ये आपके स्वरूप पहाड़ी जगह थोड़ी प्रकट करता हूँ। नहं प्रकाश जुगमय समावृता, मूढ़ व्यक्ति नहीं जान पाते हैं जो भगवान है, लेकिन भक्त जान पाते हैं। भक्त के प्रति कृपा के कारण भगवान इस तरह से भक्त को अनुग्रह करते हैं, जिस भगवत अनुग्रह से अनुग्रहित हो करके वो भगवान के लीला संबंध में, जो भगवान है इस संबंध में वो सब जान जाते हैं। जैसे हमारे सनातन गोस्वामी को अभिदित करा रहे हैं, रूप गोस्वामी को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, ऐसे भगवान जब विदित कराते हैं तभी जा करके वो जान जाते हैं। भगवान आते हैं युग युग में, क्योंकि मनुष्य तो वो अचिंत भगवान के वो स्वरूप, वो तो अनादि अनंत विभु, उनका रूप कौन चिंतन कर सकता है। तो भगवान क्या करते हैं, नहीं नरलीला नरलोक में आकर के युग युग में नरोचित लीला करते हैं, जिस लीला को अनुसरण करके चिंतन करके जीव संसार चक्र से मुक्त होने का उसको मार्ग मिल जाता है। ये चिन्मय है, दिव्य है। जैसे राम जी लीला किए हैं, जब रामचंद्र जी आए हैं, दिव्य लीला, वो लोकातीत लीला, वो इंद्रियातीत लीला, वो अनुभवेद्य, वो कृपा साध्य। साधारण जैसे भगवान रामचंद्र जंगल जा रहे हैं, विवाह रचना कर रहे हैं, कितना कुछ लीला कर रहे हैं, सब थोड़ी जान पाते हैं। अरे सबकी बात छोड़ो, साक्षात हनुमान जी तक भ्रमित हो गए थे रामचंद्र जी की लीला देख करके। हनुमान जी
भ्रमित हो गए। हनुमान जी जानते हैं जो पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान रामचंद्र, लेकिन भगवान ऐसे लीला करते हैं नरोचित लीला, किसी भी अवस्था में नरोलीला को अतिक्रमण नहीं करते। स्वयं पार्वती जी भ्रमित हो गए, पार्वती जगत माता जगत जननी पार्वती जी भ्रमित हो गए। जब सीता वियोग में रामचंद्र जी वन वन में किस तरह से एक स्त्रीणो प्राकृत स्त्रीणो पुरुषवत स्त्री वियोग में स्त्री प्रेम में इस तरह से विभावित तो होकर के ऐसे सुख संतप्त तो होकर के ऐसे अश्रुधारा बहा रहे हैं, एक अज्ञप्राय अज्ञप्राय मनुष्य चितो इस तरह से कुछ जानते नहीं है, लता गुल्मो पकड़ पकड़ के रामचंद्र जी रो रहे हैं, कहाँ सीते तुम कहाँ, हे जुथिके हे मालती हे माधवी बताओ मेरी सीते कहाँ। हनुमान हनुमान आते हैं तो हनुमान को छाती में ऐसे पकड़ लेते हैं और फुट फुट के रोते हैं, रो रो करके हनुमान के वक्ष स्थल को अभिषिक्त कर देते हैं और बार बार कहते हैं हनुमान हमको ये शोक संताप ये शोक सागर से उद्धार करने वाला तुम छोड़ के जगत में और कोई है नहीं, तुम हमको ये शोक संतप्त हृदय को शांत कर दो। प्रभु हम क्या करेंगे, कहीं से भी हो सीता के खबर ले आओ, कहीं से भी कहीं से कैसे भी करो, भगवान जानते नहीं है कहाँ है सीते क्या है अल्पज्ञ भगवान ना। जब भगवान लीला करते हैं तो सर्वज्ञता और मुग्धता जुगपत भगवान में रहते हैं। जब भौम लीला करते हैं तब भौम लीला में भगवान जुगपत मुग्धवत मुग्धता माने कुछ जानते नहीं, ये नाटक नहीं, जो भगवान सब जानते हैं लेकिन नाटक कर रहे हैं तो ऐसे रोना थोड़ी होता है। रामचंद्र रो रो करके आंख एकदम बिल्कुल लाल हो गया फूल गया और वस्त्रधारा से वक्षस्थल जैसे अभिषिक्त हो रहा है, क्या विरह वेदना, क्या ये मिथ्या है, ये नाटक है, नाटक ना, ये जो विरह लीला ये तो नित्य धाम में है नहीं, नित्य धाम में विरह लीला है नहीं, सदा सर्वदा संयोग वहाँ वियोग है नहीं, लेकिन मर्त्यलोक में कभी संयोग तो कभी वियोग। और इसमें क्या है मर्त्यलोक में और एक विशेषता है, यह परिवर्तनशील लीला, जैसे जन्म लेते हैं फिर शैशव फिर बालपन फिर किशोर अवस्था फिर यौवन है परिवर्तनशील, परिवर्तन के साथ साथ अलग अलग जैसे परिवर्तन तदनुसार एक आस्वादन होता है उनके साथ। जैसे बच्चा को गोदी में लेकर एक तरह के आनंद, थोड़ा बालक होता है चलना शुरू कर देता है, ठुमक चलत राम चंद्र बाजत पैजनिया वो नस्ल चल रहे हैं और चारों माता जैसे कौन गोदी में लेंगे, कभी तो कोई कई माता के गोदी में जाते हैं, कभी खेलते खेलते हंसते हंसते जाते हैं सुमित्रा माता के पास, ऐसे ये आनंद लीला। और जब बड़ा हो जाते हैं थोड़ा सा बालपन तो वो अलग आस्वादन, फिर जब किशोर अवस्था में वो एक अलग आस्वादन, ऐसे जब परिवर्तनशील जो ये लीला बारी थी ऐसे नित्य धम में ऐसा है नहीं, वह नित्य धम में नित्य नित्य उम्र नित्य किशोरी नित्य नवल किशोरी जानकी माता नित्य नवल किशोरी और रामचंद्र नित्य नवल किशोर, वृंदावन में कृष्ण नवल किशोर राधारानी नवल किशोरी। ये जो परिवर्तनशील लीला ये लीला नित्य लोक में है नहीं, वहाँ विरह है नहीं, और ये परिवर्तन के साथ साथ जो शरीर का उम्र का परिवर्तन आरंभ स्थिति परिवर्तन परिवर्तन संकुचन प्रलय ये शरीर का होता है भौतिक शरीर का, वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ नित्य नवल किशोर नवल किशोरी यानी। और यहाँ जैसे वो रामलीला में वहाँ रावण मारण आदि वो नित्य लीला में वहाँ है नहीं, वो रावण मारण फरण है नहीं वो ये भौम लीला में है, वो सीता हरण फरण है नहीं, यहाँ है बहुत वैचित्र्य है विचित्रता, ये जो लीला वैचित्र्य ये नित्य लीला में है नहीं, है यहाँ दिव्य है ये तो अनंत ये कौन वर्णन करेगा। वो अभी भी वो रामचंद्र जैसे तीर्थराज युग में लीला किया है अभी भी कोई ना कोई ब्रह्मांड में वो लीला चल रही है वो लीला, वो अनंत दिव्य नित्य नवयमान
अलाल चक्रवत, अलाल चक्र माने एक धागे के माथे में जो कपड़ा गांठ बांध के मिट्टी तेल डाल करके उसमें आग लगा करके घुमाओ तो क्या निकले, जैसे एकदम पूरा सर्कल है, अग्नि कहीं वही ये नहीं, स्टॉप नहीं है, सब पूरा एक सर्कल हो गया। ऐसे ही ये लीला बारिधि चल रही है अनंत कोटि ब्रह्मांड में, अनंत स्वरूप में भगवान ये अनंत लीला करती, लीला हो रही है, और एक लीला नहीं अनंत लीला कौन वर्णन करेगा। तो भगवान ये भौम लीला में सर्वज्ञता, कभी मुग्धता, कभी लीला रस आस्वादन के लिए जोग माया को स्वीकार कर लेते हैं, जोग माया आवरण करके मुग्धता शिकार, अपना ही शक्ति, ये अलग नहीं, अपना शक्ति में भगवान अपने को इस तरह से मुग्धता शिकार करके फिर जोगमाया शक्ति के द्वारा फिर वो रस आस्वादन करते हैं लीला वैचित्र्य है। नाम प्रकाश सर्वस्व जोगमाया समावृता, जोगमाया समावृता अजह भीषण अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वर भीषण प्रकृति समदिष्ट है संभवामी आत्ममाया, आत्ममाया माने जोगमाया। तो ये जो परिवर्तनशील लीला तत्सहित ये जो मुग्धता और सर्वज्ञता, ये बड़े वैचित्री आनंद की एक अद्भुत एक समाहार ऐसे हैं। जब समय होता है तभी जाकर के जोगमाया हट जाते हैं, तो भगवान सर्वज्ञ फिर लीला विनोद के लिए जब भगवान चाहते हैं हम आस्वादन करेंगे, फिर आवरित अपने स्वयं अपने शक्ति के साथ ही वो लीला करते हैं, आवरित तो होकर के मुग्धता शिकार कर लेते हैं। ये अचिंत्य बोले, ये तर्क के अगम्य, जो मुग्धता तो मुग्धता मनुष्य है ना, मनुष्य मुग्ध है, हम जानते नहीं है हमारे भूत भविष्य वर्तमान कुछ नहीं जानते हैं, यहाँ 1 किलोमीटर दूर क्या हो रहा हम जानते नहीं है, लेकिन भगवान सर्वज्ञ तो भगवान सब जानते हैं, लेकिन मुग्धता मैंने भगवान जानते ही नहीं है। अरे ये नाटक नहीं, जो भगवान जानते हैं लेकिन नाटक कर रहे हैं, लीला शक्ति इस तरह से आनंद लीला रस आस्वादन कराते हैं। यह है भौम लीला भगवान की, युग युग में भगवान ये लीला करते हैं, और ये लीला रस चिंतन करके, माने ऐसे तो भगवान चिंतन तो हमारा होता नहीं है, भगवान अनादि अनंत विभु तमादि देव पुरुष पुराण तमस्य विश्वस्य परंग निधानम वित्तश्वेदंच परंच धामोतय तथम विश्वम अनंत रूप, तुम्हारा अनंत रूप अनंत नाम, कैसे हम चिंतन करेंगे। तो कहते हैं ना ये लीला रस, इसको तुम पकड़ लो, भौम लीला जो राम लीला कृष्ण लीला, लीला को पकड़ लो, पकड़ के चिंतन करते रहो, दिव्य स्वरूप दिव्य लीला, तो उसी में तुम्हारी साधना सिद्धि हो जाएगी। ऐसे रामचंद्र जी विरह दशा में इस तरह से रो रहे हैं, शिव पार्वती जा रहे थे, माता पार्वती के साथ भोले बाबा जा रहे थे, और पार्वती माता का भ्रम हो गया, जी हे नाथ ये क्या पूर्ण ब्रह्म सनातन रामचंद्र है, ना कोई मनुष्य ऐसे लीला कर रहे हैं, कोई मनुष्य है तो भगवान है, वो तो सर्वज्ञ है, और इस तरह से रो रहे हैं। देखो रोने का एक ठिकाना है, एक प्राकृत स्त्रीणवत, प्राकृत स्त्रीणवत भगवान विरह विधुरह विधुरा इस तरह से विरह दशा में व्यथित चित्त होकर के इस तरह से रो रहे हैं। पार्वती संदेह प्रकाश किए हैं, तो भगवान भोले बाबा कहते हैं आप जाके उतना परीक्षा करो, तो पार्वती माता सोचे हैं तो देखेंगे कैसे भगवान है, जानकी के रूप धारण करके, जानती जानकी माता के रूप धारण करके बोले रामचंद्र जी के सामने जाकर के हाजिर हो गए। रामचंद्र जी उसमें उस सुधरा बंद, हे मातेश्वरी कैलाश्वर के आप ये वन प्रदेश में अकेली कैसे भ्रमण कर रहे हैं, हमारे भोले बाबा कहाँ बस तब तो घबरा गई,
पार्वती, अरे अरे किसको हम परीक्षा करने आए हैं, है ना। तो ये अचिंत लीला है, यह चिंता के अगम्य है। और ये माधुर जो इसमें बहुत लीला में एक बार किंचित मात्र भगवत कृपा से अनुप्रवेश हो जाए, तो ये माधुर लीला इतना चरम अश्वादनीय जो कि अचिंत अगम्य, लेकिन इसके लिए चाहिए प्रेम प्रयोजन। वो प्रेम प्राप्ति बिना मायिक बुद्धि के द्वारा अपने क्षुद्र मन के द्वारा चिंतन करके, बुद्धि के द्वारा निरूपण करके कभी हम इस लीला आस्वादन करने में समर्थ नहीं हो सकते। तो अचिंत्य है, एक कृपा साध्य है, जिसके प्रति प्रभु कृपा करते हैं वही जाकर के इस चिन्मय लीला रस आस्वादन करने में समर्थ हो सकते हैं। तो भगवान युग युग में क्यों आते हैं? एक बार अकबर बादशाह बीरबल, बीरबल था तो हिंदू, बीरबल को कह रहे, अच्छा बीरबल तुम्हारे भगवान सुनते हैं युग युग में आते हैं भक्त रक्षा के लिए, धर्म संस्थापन के लिए, दुष्ट को दमन के लिए, क्या तुम्हारे भगवान ऐसे दुर्बल है? क्या वो दृष्टि के द्वारा, दृष्टि निक्षेप के द्वारा क्या वो शक्ति संचार करके वो कुछ कर नहीं सकते हैं भगवान? और क्या जरूरत आने का, वो तो दृष्टि मात्र से ही सृष्टि स्थिति प्रलय करने में समर्थ है। तुम्हारे कैसे, थोड़े से मजाक सुर से अकबर बादशाह बीरबल को ऐसे कहा, क्या तुम्हारे कैसे भगवान है, उनको आना पड़ता है, हमारे खुदा तो ऐसे नहीं, खुदा तो कहीं आते नहीं जाते, वो तो नित्य आनंदमय है। तो बीरबल कुछ कहा नहीं। एक बार संध्या के समय अकबर बादशाह जाएंगे कहीं भ्रमण करने, जमुना नदी से कहीं भ्रमण करने जाएंगे। बीरबल ने क्या किया, एक उनके पुत्र जो सलीम है, सलीम का ही जैसे एक मिट्टी का एक पुतला बना लिया, बना कर सलीम का ही जैसे ऐसे पोशाक पहना करके ऐसे ठीक डिटो ऐसे ही वो जो नाव है, बड़े नाव पर सुंदर सजावट करते हैं, जाएंगे नवाब जाएंगे भ्रमण करने के लिए। तो अकबर बादशाह के पीछे करके वो पुतला को रख दिया। तो अकबर बादशाह कहते हैं, बीरबल देखो ये बच्चा को किसने लाया? बोलते जनाब ये रो रहा था, हमने मना किया, ये मानता नहीं है, तो हमने उठा के ले आया, बहुत रो रहा था, तो हम लोग देखेंगे, कोई चिंता नहीं, भ्रमण करके तो आ जाएंगे। नहीं नहीं तुम ऐसे बच्चा को, छोटा बच्चा है, फिर माँ के लिए रोना शुरू कर देगा ऐसे। तो ठीक है, इतने में क्या हुआ, जमुना किनारे में वो अचानक देख रहे हैं अकबर बादशाह, वो पुतला को धक्का मार के माटी में गिरा, पानी में गिरा दिया, गिरा दिया। तो अकबर, अरे 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 देखो बीरबल अकबर बच्चे गिर गया, सलीम गिर गया, सलीम क्या करे। अकबर बादशाह खुद कूद के पानी में कूद गया, कूद गया और उठा के देखते हैं, देख पुतला है। तो कहते बीरबल ये क्या तमाशा है, ऐसे तमाशा का कोई औचित्य नहीं है, तो हमसे ऐसे मजाक कर रहे हो? बोले महाराज ये मजाक नहीं है, मैं तो ये कहता हूं कि आप अगर एक बार ऑर्डर देंगे ना, तो मिट्टी खोद के मिट्टी तक उठा के ले आएगा, आपके इतना सेना है सब है, आप क्यों कूद पड़े हैं, आप फैन क्यों कूद पड़े हैं, आपका कितना नौकर है चकरा रहे, उठाओ उठाओ, मिट्टी खोद के उठा लेगा। तो बोलता तुम क्या जानोगे, मेरा पुत्र है ना, इसीलिए हमको कूदना पड़ा। बोलता हमारे भगवान भी ऐसे भक्त वत्सल भगवान है ना, तो उनको आना पड़ता है, भक्त रक्षा के लिए भगवान इस तरह से आते हैं युग युग में, प्रयोजन नहीं है। लेकिन भगवान इतने भक्त वत्सल, इतने प्रेम वत्सल, जो भगवान अपने भक्त के प्रेम में अपने भगवत्ता तक खो जाते हैं, भूल जाते हैं मैं भगवान हूँ, अहं भक्त पराधीन अस्वतंत्र बद्धि, जो मैं भक्त को दीन हूँ, मेरा कोई स्वतंत्रता है नहीं, भगवान अपने स्वतंत्रता खो जाते, ये हमारे सनातन धर्म, ये भगवान
कि भक्त वश्यता जो है इतने चमत्कृत गुण, जिस चमत्कृत गुण से आकृष्ट होकर के सब भजन करते हैं, आह इतने प्रेममय, सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, हमारे हृदय के धन, हमारे सबसे प्रियतम भगवान है। तो ये हमारे प्रेममय भगवान ऐसे हैं, है ना, जुग जुग में आते हैं भक्त के साथ आनंद विनोद करने के लिए, भक्त के सुख संपादन के लिए, तत्सहित भक्त के सान्निध्य में, भक्त के प्रेम में इस तरह से भगवान सरोवर हो जाते हैं, जो भगवान भगवत्ता भूल करके भक्त के साथ एक तदात्मता, एक ऐसे तल्लीनता, तन्मयता, ऐसे प्रेम बर्ताव करते हैं, जो भगवान इस तरह से भक्त के प्रेम में रम जाते हैं। ये अचिंत है भक्त भगवान की ये लीला। इसलिए भगवान जुग जुग में आते हैं भक्त के साथ आनंद लीला आस्वादन के लिए, भक्त को तत्सहित आस्वादन करते हैं, और क्या, ये जगत जीव को भी उत्साहित प्रोत्साहन देने के लिए, तुम इस लीला अनुसरण करके, चिंतन करके तुम भी इस संसार चक्र से मुक्त हो जाओ। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विड़ीड़ितम कल्म शापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूमि गृणंति ते भूरिदा जना। ये कथा, ये अमृतमय कथा। तो महाप्रभु इस तरह से ऐसे अमृतमय लीला प्रकटन किए हैं, उनके जीवन गाथा, जीवन चरित जो श्रवण करते हैं, जो अनुशीलन करते हैं, वो संसार चक्र से मुक्त होने का मार्ग मिल जाता है, बहुत जल्दी आनंद के साथ संसार चक्र से मुक्त होने का उनको एक मार्ग मिल जाता है। लीला कथा श्रवण, भगवान की लीला कथा श्रवण। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु काशीपुरी में निवास कर रहे हैं, रूप गोस्वामी को परतत्व विषय में पूर्ण रूप से शिक्षा प्रदान करके रस तत्व, लीला तत्व, निगूढ़ लीला तत्व संबंध में उनको बड़ी सुंदर रूप से उनकी भीतर कृपा शक्ति संचार करके उनको परिपक्व दशा प्राप्त करा करके शक्ति संचारित करके भेजे हैं, तुम जाओ वृंदावन जा करके ग्रंथ प्रणयन करते रहो, तत्से लुप्त तीर्थ उद्धार करते रहो। सनातन गोस्वामी आए हैं, ये भी राजमंत्री सनातन हुसैन शाह के प्रधानमंत्री, लेकिन जब बैराग आता है तब संसार, ये सुख वासना भोग वृत्ति धूल जैसे उड़ जाता है। जब भगवान की कृपा की एक छटा किसी के अंदर किंचित समय के लिए अगर अनुप्रविष्ट हो जाए, तो ये दृश्यमान जागतिक भोग्य पदार्थ तो फीका पड़ जाता है, लेकिन जब तक कृपा नहीं तब तक जा करके तो कठिन तो होता ही है। ये तो दैवी जैसा गुणमयी मम माया दुरतया ममे बाजे प्रबद्धंते माया में तंग तरंती थे। ये गुणमयी त्रिगुणमयी जो माया है, सत्व रज तमो, ये तीन गुण त्रिगुणमयी माया, ये पार करना जीव में है नहीं, सामर्थ्य है नहीं, जीव कभी कोशिश करके ये माया पार लगा नहीं सकते हैं। क्यों? जीव है मायाधीन, माया के अधीन, माया ने जीव को आवरित करके इस तरह से संसार चक्र में घुमा रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदिसर्जन तिष्ठते भ्रमयान सर्वभूतानि यंत्र रूहानि मायाया। भगवान सबके भीतर रह करके यंत्र पुतला जैसे नाचा रहे हैं, कुछ करने का है नहीं तो क्या करेंगे, अबे कुछ तो बात, कुछ करेंगे क्या करेंगे, बोलते हाँ करने का एक है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानं प्राप्सि शाश्वतम। अर्जुन तुम सर्वत भाव से उनके शरणागत हो जाओ, सर्वत भाव से माने काय मन वचन से शरणागत हो जाओ, तत्प्रसादात् तुम्हारी चेष्टा से नहीं, उनकी कृपा से। तत्प्रसाद, प्रसाद माने कृपा, तत्प्रसादात् परम शांति स्थानं प्राप्सि शाश्वतम्, तुम परम शाश्वत और शांति पद तुम प्राप्त करोगे।
इसीलिए शरणागति है। नहीं तो ये संसार सागर पार लगाना, साधक अपने चेष्टा के द्वारा लाख कोशिश करके, अगर कोशिश करके वो चाहते हैं जो हम ही संसार सागर पार लगा देंगे, ये होना संभव नहीं है। इसीलिए अभी तो साध्य साधन तत्व विषय में, दीप तत्व विषय में शिक्षा प्रदान करके, फिर जाके कृष्ण तत्व ये तत्व विषय में बोध करा करके महाप्रभु सनातन कृष्ण को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। सत्संग का महिमा, जो भजन करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ये माया पार लगाना चाहते हैं, उसको तो अवश्य ही सत्संग करना जरूरी है। बिन सत्संग न हरि कथा, देह बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। सत्संग में रहना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं, जब तक सिद्धि प्राप्ति नहीं होती है तब तक मौत अनुगत होकर के रहना पड़ेगा, स्वतंत्र नहीं, तब तक उसका स्वतंत्रता नहीं। महत्संग इस विषय में हम लोग आलोचना कर चुके हैं। फिर असत्संग त्याग, जिस असत्संग के कारण बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े विद्वान वो भी भ्रमित होकर के संसार चक्र में फंस करके कहाँ पर बह करके कहाँ चले गए हैं, कोई ठिकाना नहीं। माया इतना बलवती, ये जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है तब तक जाके निश्चिंतता कभी नहीं होना चाहिए। अगर मान लो तुम्हारा मन ठीक है, तुम्हारा मन अच्छा है, तुम्हारा मन में दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति है नहीं, कामना वासना इससे मुक्त है, तुम्हारे भीतर इंद्रिय जनित विकार काम क्रोध आदि ये बहुत ना के बराबर ऐसे तुमको महसूस होता है, लेकिन खबरदार साहस नहीं करना, बोलते फिर भी साहस नहीं करना। किसी भी समय तुम्हारे ये बुद्धि को भ्रमित करके वो जो सुप्त जो तुम्हारे भीतर जो विकार है वो विकार तो करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। हम कल दृष्टांत तो दे रहे थे ना, ये हमारे पहाड़ी में, हम बरसाने में पहाड़ में गर्मी के समय क्या दिखता है, सूखा सूखा पेड़ पौधा एकदम चट्टान, देखो सिर्फ पत्थर पत्थर कंकर कुछ नहीं। बरसात हो गया, देखो भाई कैसे हरा भरा हो गया। अरे ये पत्थर के ऊपर हरा भरा कैसे हो गया, चिंता में चिंता करके अजीब लगता है ना। अरे तो पत्थर है, ये तो कोई मिट्टी है ही नहीं, ये हरा भरा कैसे हो गया, देखो कितना सुंदर हरा भरा। बोलता है इससे ऐसा होता है, जब गर्मी के समय ये यही जब बड़ा हो जाएगा ना, तब बरसात के बाद वो बीज गिर जाता है नीचे और पेड़ तो मर जाता है, बीज धूल के साथ रह जाता है। ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ है नहीं, लेकिन ना बीज है, बीज है। जब बरसात का संयोग होता है विस्फुट करके फिर जगह हरा भरा हो जाता है। ऐसे कभी कभी साधन करके, कभी कभी सत्संग आदि में रह करके, कभी कभी ऐसे महसूस होता है जैसे नहीं हमारे भीतर तो उतना हमारे भय का कारण नहीं है, हम तो ठीक है, लेकिन ना साहस नहीं करना है। ऐसे ही विषय का संयोग, विषय रूपी बरसात अगर उसमें हो जाए ना, वही जिस हृदय में तुम्हारे भगवत चरण में इतना प्रेम प्रीति, इतना सुंदर भगवत भजन में तन्मय तन्मयता तल्लीनता, वह हरा भरा हो जाएगा, माने विषय रूपी कामना वासना करके हरा भरा हो जाएगा। बीज है, वो बीज नष्ट नहीं होता है, परंग दृष्टा निवर्तते, एकमात्र परम पुरुष का दर्शन करने के बाद ही वो बीज नष्ट होता है। तो क्या होता है, कभी कभी साधन करते करते खूब ऐसे अच्छी स्थिति है, लेकिन क्या होता है, अगर वो सत्संग में नहीं रहता है, विषय संपर्क और भोग्य पदार्थ के संपर्क में अधिक रहता है, तो धीरे धीरे वो बरसात के जैसे ही वो धीरे धीरे हरा भरा होना शुरू हो जाएगा। साधक जान भी नहीं पाता है तो कब भगवत चरण से मन हट करके हरियाली रंग में रंग गया ये कोई गारंटी नहीं, बड़े बड़े मुनि ऋषि का कोई गारंटी नहीं, यहाँ कोई ऐसा बोल नहीं सकता है। देखो ना शोकभरी ऋषि, शोकभरी ऋषि हजारों साल
कहां एकांत में भजन करेंगे। मिट्टी के नीचे चले गए वो कालिया धाम में, रात में उसके पानी के नीचे जाकर के भजन करना शुरू किए, पानी के नीचे शुरू किया है जहां कुछ नहीं, पानी है पानी। लेकिन मछली का संसार ये बिहार देख करके मन में आया, अरे हम तो बहुत तपस्या कर लिया, अभी तक तो हमारी पूर्णता तो हुई नहीं, चलो थोड़ा कुछ दिन थोड़ा संसार क्या है थोड़ा देख के आ जाऊँ, बताओ क्या गारंटी तुम्हारा, तुम तो विषय लोगों का संग में रहते, तुम्हारा क्या गारंटी, जब शोभरी ऋषि का गारंटी नहीं है, आए हैं अस्थि शर्मसार एकदम, माने हड्डी के ऊपर एक पतला चमड़ा का प्रलेप और कुछ नहीं है, तपस्या तो कर कैसे हो गया। मंदाता ऋषि दिखते हैं, अरे एक तपस्या आ रहे हैं, बड़े सुंदर हैं, हमारे सेवा करने का मौका मिल जाएगा संत सेवा, अरे बड़ा तपस्या, तेज बिखर रहा शरीर से हैं ऐसे तेज, ओहो हो आए हैं खूब आनंद के साथ प्रणत होकर के निवेदन किया, महाराज आदेश कीजिए हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए, हमारे लिए क्या सेवा है। बोलते हाँ सेवा है, सेवा के लिए ही हम आए हैं, तो बताइए क्या सेवा। ना हम सुने तुम्हारा 50 कन्या है, उसके अंदर एक कन्या हमको दो, हम गृहस्थ आश्रम रचना करेंगे। आप देखते मानदाते ये हड्डी के ऊपर चामड़ा का पुड़ले, भाई जिस कन्या को देंगे वो तो उसका भी जीवन में एक शौक आनंद बसना वो तो है ना, भाई ये हड्डी पदड़ा इसके कन्या देने से हमारा कन्या तो कितना दुखी हो जाएगी ना, और ना करें तो श्राप दे देंगे, हाँ करें कन्या दुखी हो जाएगी, हे भगवान आप हमको बचा लो। तो मन में बुद्धि आया दिमाग में, कहते महाराज आप एक काम कीजिए, हमारे कन्याएं सब भीतर है, जाके जो कन्या आपको पसंद करेंगे वो कन्या को आप ले जाइए। और मंदाते देखते हैं ये तो बहुत चालाकी किया है, कोई कन्या तो हमको पसंद नहीं करेगा, ये अस्थि चर्मसार हड्डी के ऊपर चमड़ा का प्रलेप कोई पसंद नहीं करे, अच्छा तो मैं दिखाता हूँ। भीतर जाके गंधर्व जैसे दिव्य सुंदर नौजवान एकदम अनिंद सुंदर ऐसे स्वरूप बना लिए हैं, 50 कन्या पागल हो गए, बोले तुम लोग हल्ला चिल्ला मत करो, सब चलो हमारे साथ, 50 कन्या लेके चल दिए जा करके संसार। तो ये माया है बहुभात की, एक सृजे एक खाए, एक मिलावे राम से एक नरक ले जाए, माया का पार कौन पाया। इसलिए साधु संग में रहना जरूरी है ना, तो इसीलिए सनातन गोस्वामी पाद सनातन गोस्वामी पाद को महाप्रभु उपदेश कर रहे हैं शरणागत हो जाओ, पहले शरणागति, असत्संग त्याग, असत्संग में जाना नहीं चाहिए। असत्संग माने क्या है, असत्संग माने दुष्ट लोग नहीं, असत्संग माने दुष्ट लोग नहीं, माने गड़बड़ नहीं करना, माने समझने में कोई गड़बड़ नहीं करना। असत्संग त्याग माने जिस संघ से मेरे मन में विषय वासना का उद्रेक होता है, लालसा जागृति होती है, स्पृहा जागृति होती है, वह है असत्संग, व्यक्ति नहीं गुण, यह असत्संग। वस्तु संग भी होता है असत्संग, हम तो कल बताया ना ये असत्संग, ये मोबाइल एक असत्संग, तो कल इस विषय बताया, हम पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। तो इस तरह से साधक को बहुत चेष्टा करके अपने को बचाने के लिए एकांतवास साधु संघ में, एकांतवास माने महत्पुरुष के आश्रय व्यतिरेक स्वतंत्र रूप से नहीं, स्वतंत्रता खा जाएगा, स्वतंत्र नहीं, महत्पुरुष के आश्रित होकर के उनके आदेश निर्देश अनुसार रहना चाहिए, है ना। तो असत्संग त्याग, फिर कहते हैं शरणागति। अब शरणागति किसको कहते हैं, शरणागति का लक्षण क्या है, तो कहते हैं अनुकूल ग्रहण प्रतिकूल वर्जन, रक्षा कर्ता रूप में वरण, रक्षा करेंगे ऐसे दृढ़ विश्वास, रक्षा करो बोल करके आरती प्रकाश और आत्मसमर्पण, ये सर्वविदा शरणागति, सर्वविदा शरणागति।
तो अनुकूल्य ग्रहण, अनुकूल्य ग्रहण क्या अनुकूल्य, अनुकूल जिस आचरण हमारे लिए भक्ति मार्ग में हमारे चलने का मार्ग सुगम होता है, मन भगवत चरण में लगता है, मन में एक प्रेरणा का स्रोत बनता है, भजन करने में अच्छा लगता है, दृश्यमान पदार्थ से मन हट जाता है, यह अनुकूल्य ग्रहण। तो अनुकूल्य ग्रहण नाम जप ध्यान धारणा उपासना ये तो है, हमारे रूप गोस्वामी का एक सुंदर श्लोक कहे है अनुकूल्य उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्त्वत कर्म प्रवर्तनात संग त्यागात शताब्दी ना इच्छाएं बोल कहे हैं, ये इच्छाएं अनुकूल कर्म है, ये इच्छाएं अगर किसी ने पालन किया तो मान लो वो तुम्हारा अनुकूलता स्वाभाविक हो जाएगी। उत्साह भजन में उत्साह, मन लगे ना लगे नहीं, और ज्यादा करके हमको करना चाहिए, उत्साह कभी निस्तेज होना नहीं चाहिए। निद्रा में वो भी तो हो रहे हैं, निद्रा में हमको भजन करने नहीं देता है, दूर कल से सो ही जाएंगे, बेकार का निद्रा भी नहीं भजन भी नहीं, चलो कल से सो ही जाएंगे, जीवन भर सोते रहो और निद्रा जाने वाली नहीं है। निद्रा जाने के लिए तुमको साधारण कष्ट स्वीकार करना ही पड़ेगा, ऐसा करते करते जागते रहो, निद्रा है कि ठीक है वो भी शिकार है, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, फिर देखो कि उसी समय तुम जाग जाओगे, फिर देखो कि निद्रा चली जाएगी। आहार निद्रा ये जो कुछ विषय है ये बढ़ाने से बढ़ता है घटाने से घटता है। हमारे गुरुदेव तो कभी जीवन में सोए नहीं, ना दिन में ना रात में, दिन में भी सोए नहीं रात्रि में भी सोए नहीं, कैसे जीते थे। निद्रा क्या है, हम देखो हम गुरु जी के साथ रहते थे, गुरु जी के पास सोते थे, एकदम अंतरंग जो सेवा हमको प्रभु ने हमारे गुरु जी ने कृपा करके हमको प्रदान किए हैं, ऐसे किसी को हमने तो देखा नहीं हमारे जीवित अवस्था में। हम देखे हैं, हम परीक्षा भी किए हैं बाबा को, परीक्षा भी किए हैं, हम भी ऐसे गुरु जी की कृपा, हमारी निद्रा ऐसा हो गया था पास सोते सोते, निद्रा क्या तो बिस्तरा तो था नहीं, गिरिराज तराटे में पड़े रहते थे, वहीं पर गिरिराज को माथे कभी निद्रा आ गई, गिरिराज माथे पाँव लंब कर बस पड़े हैं, थोड़ा सा आधा घंटा हो गया उठ के पड़ी, बिस्तर बिस्तर है नहीं, बिस्तर का नाम निशान नहीं, बिस्तर था ही नहीं, बिस्तरा तो रहना चाहिए ना, बिस्तर था ही नहीं, गिरिराज माथे में और पाँव थोड़ा पसार लिया आधा घंटा एक घंटा, नहीं तो बाबा के चरण के पास वहीं पड़े हैं गिरिराज तराटी में जंगल में पास उतना ही बात। निद्रा का तो जो बिस्तरा करके सोना ये तो हम लोग चिंता भी नहीं कि गुरुदेव के सान्निध्य में जब तक रहे, ये ऐसा सोता है क्या। एक दिन तो एक दिन क्या हुआ, गिरिराज तराटी में जंगल नकली छोड़ के आए हैं, गुरुदेव सो रहे हैं, हम पंखा कर रहे हैं, कितना रात्रि कोई ठीक नहीं, अचानक हम कब गुरुदेव के छाती के ऊपर ऐसे करके भुर भुर करके सो रहे हैं, लंबा लंबा सांस ले रहे हैं, अचानक जब नींद टूट गया हमने कहाँ आए हम, देखते हैं गुरुदेव के छाती के ऊपर सो रहे हैं, है ना, और गुरुदेव भाई सांस ले रहे हैं वो भी बड़े धीमे धीमे आस्ते आस्ते, ये नहीं कह रहे तू जा सो जा थोड़ा सा। हमने तो बड़ा मन में बड़ा धिक्कार है, हाय अच्छी सी चीज ये गुरु सेवा है, हमारे से जाना गाधा जैसे शरीर गुरुदेव के बड़े छाती के ऊपर पड़े हैं और कब से पड़े हैं कोई ठिकाना नहीं, और गुरुदेव वही हमारे शरीर को बॉडी को छाती को ले करके ही चुप पड़े हैं। फिर हम चिंता करते हैं ये भाई गुरुदेव हमको ये आदेश क्यों नहीं किया तू जा सो जा, क्योंकि गुरुदेव तो जागे हैं, हम इस तरह से छाती के ऊपर पड़े हैं एकदम पूरा छाती को ऐसे करके, हमको कुछ कहे भी नहीं और सहन भी कर रहे हैं कष्ट को,
क्या माने क्या है इसका, कोई तात्पर्य तो होगा जरूर। बहुत चिंता की आदत पर धिक्कार तो दिया अपने को, धिक्कार देने से क्या होता है, जो हो गया हो गया। अच्छा गुरु सेवा करने आए, गुरु हमारी सेवा कर रहे हैं, लो छाती को लेकर के शिष्य को सुला रहे हैं, पीठ पर थपथपाया नहीं, यही ज्यादा है। फिर हमने चिंता किया जो बाबा ऐसा क्यों किया, माने बाबा दूसरा नजरिया में देख रहे हैं। बाबा देखते हैं एक जन गुरु सेवक, भगवान के जन, वो गुरु सेवा कर रहे हैं, हमारा सेवा नहीं, गुरु सेवा कर रहे हैं, गुरु भगवान है, तो वो सो रहे हैं। ऐसे गुरु भक्त को हम भी थोड़ा सा सहयोग कर दें उस समय के लिए, हमारे ऐसे गुरु सेवक हैं वहाँ, ये गुरुदेव ये नहीं देख रहे जी, ये हम गुरु है। गुरु तो कभी हम गुरु है ऐसे सोचते ही नहीं। जब गुरु दीक्षा देते हैं तो आंख बंद करके महाप्रभु के सामने बैठाते हैं, ये प्रभु तुम गुरु हो, हम तुम्हारे प्रतिनिधि, तुम गुरु हो, हम तुम्हारे प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव, बस गुरु हम नहीं है, ऐसे ऐसे भावना करके गुरुदेव कभी अपने को गुरु नहीं मान। लेकिन जब पूजा करते हैं, जब ये सब जब करते हैं तो गुरुदेव जानते हैं जो हमारे नहीं, ये भगवान का सेवा कर रहे हैं, हमारे नहीं भगवान का सेवा कर रहे हैं, इसलिए चुप रहते हैं, चरण छू रहे हैं, प्रणाम दुला रहे हैं गुरु को। गुरुदेव सदगुरु जो होता है उनकी बात कह रहा हूँ, वो कभी सोचते नहीं मैं गुरु हूँ। तो बाबा चिंता कर रहे हैं गुरु भक्त गुरु सेवक, अच्छा ठीक है मैं भी उस तरह सहयोग कर दूंगा ऐसे गुरु भक्त को गुरु सेवक को। रामदास काठी बाबा एक बार कलकत्ता गए, कलकत्ता गए वहाँ एक भक्त के घर गए, वहाँ एक रामदास काठी बाबा के तैल चित्र बना के पूजा करते हैं। रामदास काठी बाबा जा करके ही अपना फोटो के सामने साष्टांग दंडवत, अपना फोटो अपना ही फोटो साष्टांग दंडवत, त्रिकालदर्शी महापुरुष रामदास काठिया बाबा, उस समय के उतना बड़ा महापुरुष भारत खंड में कम था, अभी से 100 साल पहले की बात है। अपने अपना ही फोटो है लेकिन उसके साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, शिष्य का हंस रहे हैं, शिष्य गुरुदेव आप ये क्या कर रहे हैं, आपका फोटो कब दंडवत करते हैं, तुम क्या कहते हो, हम हमारा फोटो है, ये तो गुरु है, हम गुरु को दंडवत कर रहे हैं, गुरु है, मद्गुरु श्री जगत गुरु मन्नाथ श्री जगन्नाथ, तुम्हारा गुरु वो भी हमारा गुरु, सब गुरु एक ही गुरु, सब गुरु है, सब हमारा ही गुरु है, ऐसे भावना है ना, बहुत निगुड़ तात्पर्य है। अभी क्या होता है कलयुग ना, युग प्रभाव ऐसे हैं, तत्व में तो अनुप्रवेश है नहीं, कुछ अनुभव तो है ही नहीं, दो फेरा माला करके स्वयं गुरु बन जाते हैं, किसी को त्याग देते हैं निकाल जा तू यहाँ से, किसी का पाम लंबा करके माथे में पाम उठा देते हैं, इतना सहज नहीं है गुरु तत्व, इतना सहज नहीं है। आप जो सदगुरु हैं वो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, प्रभु तुम कृपा करो, जब प्रणाम करते हैं पाप चुके गुरुदेव कृपा करो कृपा करो, तब गुरुदेव कहते हैं हे प्रभु हे प्रभु हे पर हे परम गुरु गुरुदेव प्रभु तुम इसको कृपा करो, तुम कृपा करो, तुम कृपा करो, तुम कृपा करो, ये नहीं कहते हैं तेरा कल्याण हो ना, तुम कृपा करो, तुम कृपा करो, तुम कृपा करो, तुम कृपा करो, है ना। हम सुदामा बाबा को देखे हैं, ये वृंदावन के सुदामा बाबा, उनको देखे हैं ये वस्तु, अपना शिष्य को भी इतना वैष्णवचित सम्मान करते थे, सब आप छोटे छोटे आप छोड़ के बात ही नहीं करते थे, आइए आइए फलाना जी, फलाना जी आइए, फलाना जी बैठिए, और सबको वैष्णव सेवा के समय बैठा करके दान दक्षिणा दे करके सबको विदाई करते थे, अपने शिष्यों को सब कपड़ा लाता देते हैं उनको भी देंगे कपड़ा लाता, उनको भी दक्षिणा देंगे बैठा करके, खिलाएंगे पिलाएंगे, हम देखे हैं ऐसे। एक दिन अब गुरु तत्व विषय में आ गया है मन, थोड़ा तो कर लो नहीं, हम लोग सत्संग है ना
बिन सत्संग ना हरि कथा तेह बिन मोह न भाग, है ना। एक दिन हम रोज जाते थे सुदामा बाबा को प्रणाम करने के लिए, उस समय मंदिर मंदिर नहीं था, वहाँ एक प्रेम सरोवर में वहाँ एक राधा गोविंद जी उनके मंदिर के ऊपर तंबू लगा कर पड़े रहते थे, कोई जानता ही नहीं था इतना बड़े महापुरुष यहाँ रहते हैं, कोई जानता नहीं था। हम जाते थे शाम को उनको प्रणाम करने के लिए। एक दिन उनके ही एक शिष्य आए हैं उनसे मिलने के लिए, हम पहचानते नहीं आए। वो बड़े अच्छे महात्मा हैं, वो भगवान दास जी बड़े महात्मा। हम गए प्रणाम करने, आइए आइए विनोद जी, ये जो महात्मा बैठे बड़े अच्छा महात्मा है, बहुत सेवा पर इनकी बहुत सेवा करते हैं, बहुत संत सेवा बहुत सेवा इनकी, मारे बहुत गुण भजन हर विषय। भगवान दास जी ये विनोद बाबा है, ये विनोद बाबा ऐसे हैं ऐसे हैं, तो इतना और ऊंची ताकत में भगवान दास जी बैठे हैं और बाबा नीचे बैठे हैं। हम सोचते हैं भाई सुदामा दास जी जब इतना सम्मान कर रहे हैं तो साधारण नहीं, ये अयोध्या से कोई बड़े माने कोई महंत श्रीमहंत ऐसे कोई आएंगे आए होंगे शायद। तो हमने तो बड़े संकुचित हो गया, अभी इतना बड़े महंत आ गए हैं कोई कहाँ से। फिर जाके उनके सेवक को हमने पूछा, भाई वो जो महंत बैठे हैं वो कौन है? तो कहते वो तो बाबा का चेला भगवान दास जी। तो महत्वपुरुष जो होते हैं ये एक नहीं, और हमारे जो बाबा हमको हमारे बाबा को जो गुरुदेव शिक्षा गुरु उनका चरित्र सुनी और 7 जन्म की खबर जानते थे, सिद्ध महात्मा सिद्ध मनोहर दास बाबा 7 जन्म का खबर रखते थे। उनका हमारे शिष्य आने से भी दंडवत, आप हमको कृपा कीजिए, कोई शिष्य आते हैं अंतिम समय में आप हम पर कृपा कीजिए, शिष्य लोग आना बंद कर दिया, हमको दया करो, आप सब प्रभु के जन है हमको कृपा करो, आप सब शिष्य जाना बंद कर दिया, जाने से ही दंडवत प्रणाम हमको कृपा करो तुम लोग। एक दिन एक शिष्य जाके कहते हैं बाबा शिष्य को आप ऐसे प्रणाम करते हैं वो दुखी होकर चले जाते हैं रोते हैं, आपको बाबा ऐसा तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है आपके शिष्य है लेकिन वो दुखी हो जाते हैं आपको तो प्रणाम करेंगे ही। अरे तब तो हमारा बड़ा अपराध हो गया, वैष्णव दुखी हो गया, वैष्णव दुखी हो गया तो हमारा तो वैष्णव अपराध हो जाएगा, तो क्या करूँ मैं क्या करूँ तुम बताओ, हमको तो हमको पता नहीं भाई, हमको तो बड़ा गलती हो गया, वैष्णव दुखी हो गया, वैष्णव रो रहे हैं, हमसे तो बड़ा गलती हो गया उल्टा हो गया, वैष्णव अपराध हो जाएंगे। बोलता है काल से आप शिष्य को प्रणाम मत कीजिए। अच्छा बाबा ठीक है तुम जब कहते हो तो हम ऐसे ही करेंगे। दूसरे दिन शिष्य जब आते सब भूल गया, फिर आप लोग हम पर दया कीजिए आप प्रभु के जन है आप सब हमको ये हम बहुत पुरुष की जा वो भक्ति के किंचित मात्र छटा किंचित मात्र राधा रानी के अनुग्रह से किसी कभी कोई भक्त के अंदर किंचित मात्र अनुपृष्ट हो जाए वो भी धूल में मिल जाते हैं। जब तक अहंकार तब तक थोड़ी भक्ति है, जब तक बढ़ापन तब तक थोड़ी भक्ति है, जब तक हम संत हैं हम विद्वान हैं ज्ञानी हैं गुणी हैं धनी हैं मानी हैं महंत हैं गुरु हैं भक्ति तो वहाँ है नहीं, यह तो मिट्टी में मिल जाना पड़ेगा एकदम मिट्टी में मिल जाना पड़ेगा। ऐसे है ना भक्ति मार्ग ऐसे। तो सनातन गोस्वाम की शिक्षा दे रहे हैं देखो अनुकूल ग्रहण प्रतिकूल वर्जन। तो अनुकूलता हमारे रूप गोस्वामी पद 1 श्लोक में कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्य तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् शतावृत्ति। ये भक्ति अनुकूल ग्रहण है, भक्ति को बढ़ाते हैं है? उत्साह उत्साह कभी निरुत्साह नहीं होना चाहिए, कितना भी नींद आ जाए आने दो लेकिन काल हम ज्यादा करके भजन करेंगे, कल और आगे उठेंगे, कब तक ये नींद हमको सताएगा ऐसी प्रतिज्ञा। निश्चयात निश्चित कृपा करेंगे प्रभु हमको, हम कितने भी पापाचारी अभिचारी व्यभिचारी कुभिचारी कदाचारी क्यों ना है, क्योंकि प्रभु हम उनके जन है, उनकी ही प्रकाश है हमारे अंदर,
उन्हें कहीं सत्ता है हम। और भगवान जब प्रतिज्ञा करके कहते हैं कौन तो प्रतिजान ही नमे भक्त प्रणश्यति, तो भाई हम क्यों वंचित हो जाएंगे? हम वंचित होंगे नहीं, चाहे कितने पापाचारी अभिचारी व्यभिचारी कुबिचारी कदाचारी क्यों ना हो, प्रभु हमको कृपा करेंगे ही, ऐसे दृढ़ विश्वास। ये भक्ति को प्रोत्साहन देते हैं, उत्साह वर्धनकारी, इसमें साधक को प्रोत्साहन मिलता है, भजन में एक उत्साह बढ़ता रहता है। निरुत्साह भजन का विघातक, उत्साह खत्म हो गया दूर कुछ होगा नहीं, ये जन्म गया कितना जन्म जाएगा भजन में ना, ये मान लेना ऐसे निरुत्साह हो गया तुम्हारा भजन का मृत्यु, भजन समाप्त हो जाएगा वहीं पर, एंड हो जाएगा। फिर क्या होगा? भजन एंड हुआ समाप्त हुआ, तुम्हारा मन सिर्फ विषय की तरफ भागेगा, क्योंकि कुछ तो उसको खुराक चाहिए, जब परमार्थ खुराक नहीं मिला हुआ तब उस आनंद नहीं मिला तो कहाँ जाएगा मन? मन तो आनंद बिकर रहता नहीं है, उसका आनंद चाहिए, बस सीधा बढ़िया तरह से सामने मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अवैध तरीका से वो, क्योंकि वो आनंद ही उसका खुराक है, आनंद का सत्ता है ना, वो आनंद बिना रह नहीं सकता है, जब कहीं आनंद उसको मिलता नहीं तभी जाकर के बिगड़ जाता है। तो इसीलिए निरुत्साह माने तुम्हारा भजन जीवन चौपट, तो मन कहाँ जाएगा फिर? और फिर उल्टा घूमना शुरू कर देगा, विषय कानन में फिर उधर तरफ झाकेगा, वहाँ विषय रूपी कानन नाना रकम फूल फुलवाड़ी देखेगा उसमें जा करके। इसीलिए निश्चयात, हमको जब कोई शास्त्र कहा नहीं ऐसे शब्द, जो भाई इतना तुम पापी हो अभिचारी व्यभिचारी कदाचारी, इतना बड़ी आशा नहीं करनी चाहिए, जो तुम इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करोगे ये संभव नहीं है, अपराध हो जाएगा तुम्हारा, ऐसा जब कहा नहीं, तो हम छोटी वासना क्यों रखेंगे, एकदम सबसे ऊंची वासना रखेंगे, जब शास्त्र में बाधा नहीं है हम छोटी आशा क्यों करेंगे बताओ? हम तो कहेंगे हम जो किया बढ़िया किया, अच्छा किया, और भी कर सकते हैं, लेकिन तुमको इसी जन्म में उद्धार करना पड़ेगा, तुम करोगे ही हम तुम्हारे शरणागत हैं, मैं तो ये कहता हूँ दाब के कहता हूँ, क्यों तुम हमारे सबसे प्रियतम निकटतम, तुमको नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे, तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करेंगे किसके, मनुष्य पर भरोसा करेंगे हैं? मिला ना मिला लेकिन तुम तो हो हमारे ना, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, ऐसे थोड़ी है। तो इस तरह से भरोसा रखना चाहिए, निश्चयात अवश्य हमको इसी जन्म में कृपा करेंगे, ये विश्वास भजन का प्राण केंद्र है, प्राण धैर्यात, इसके बाद है धैर्यात, धैर्यात माने आप तो इंतजार करना पड़ेगा ना भाई, चूल्हा चेताया, चपटा में दिया, चावल दिया, जल दिया, भात बनेगा तब ना, उसके बाद तो तुम खाओगे, चेता के बोलो भाई उसे उतारो भाई आपको खाने दो, ऐसा होगा? तो धैर्यात उसको धीरे 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 भजन को पकने दो, पके का समय चाहिए थोड़ा सा, इंतजार करना पड़ेगा धैर्यात। फिर तत्त कर्म प्रवर्तनात् माने भगवत अनुशीलन, नाम जप ध्यान धरना पूजा पाठ स्तव स्तुति वंदना आदि, हर समय हर पल हर क्षण एक पल भी हमारे लिए वृथा नहीं जाना चाहिए, मुख में अखंड नाम, मन में अखंड चिंतन, तत्श्री साधुसंग सत्संग महत्सेवा साधु सेवा गुरु सेवा, असत्संग त्याग, विषय लोगों से दूर, विषय संसर्ग संपर्क से दूर रहने का चेष्टा, इत्यादि चेष्टा के द्वारा धीरे धीरे मन को संयमित करके हमको साधन जीवन में आगे बढ़ने के लिए दृढ़ निश्चय करके हमको प्रयत्न करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करोगे ऐसे ही कब कितना जन्म लग जाएगा सोए हैं, हरे कृष्ण, कोई उत्साह नहीं, कोई निश्चयता नहीं, कोई दृढ़ता नहीं, थोड़ी होता है ऐसा। इसलिए निराशा कभी आने देना नहीं चाहिए, निराशा, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, तत्त कर्म माने सत्संग साधु संग नाम जप ध्यान धारण उपासना स्तव स्तुति वंदना आदि। फिर शताब्दी, सत्संग में रहना, सत्संग करना, ये जो सत्संग हो रहा है सत्संग में रहना चाहिए, आना चाहिए, है ना। और संग त्यागात माने विषय वस्तु जो संसर्ग जो संपर्क
जो सान्निध्य हमारे मन में विषय वासना का उद्रेक होता है उसी को असत्संग कहा जाता है। असत्संग माने दुष्ट लोक नहीं, असत्संग माने जिस संग के द्वारा, जिस संग में, जिस संग के कारण हमारे भीतर मन में विषय वासना उद्रेक होता है, जागृति होती है, स्पृहा जागृति होती है, भोग्य पदार्थ के प्रति आकर्षण बढ़ता है, लालसा जागृति होती है, वो है असत्संग। इस तरह से जो ये अनुशीलन करते हैं तो ये भक्ति वर्धन कार्य, अनुकूल ग्रहण, प्रतिकूल वर्जन, फिर प्रतिकूल वर्जन रक्षाकर्ता रूप में वरण। तो इस विषय में हम लोग फिर काल आगे चलेंगे और थोड़ा सा प्रसंग फिर आगे चलेगा। हमारे जल्दीबाजी नहीं है, हमको तो सत्संग करना है, हमको चाहिए आत्मशोधन के लिए, उस मार्ग में चलने के लिए हमको तो आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। किसी का कोई प्रश्न हो तो करना चाहिए, कर सकते हैं। अगर हमको हमको जानकारी नहीं है, आप भी हमको कह सकते हैं, सुना सकते हैं। जय जय श्री राधेश। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।